अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप आल आर फाइन। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माय चैनल एंड लाइक एंड सब्सक्राइब इट। उर्दू ग्रामर लेक्चर फर्स्ट प्रेजेंट बाय ज़ेबुनिसा, अक्टूबर 2020। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम माय चैनल ऑफ उर्दू ग्रामर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाइट ग्रामर उर्दू पहला लेक्चर। तो आज हमारा पहला लेक्चर है क्वाइद ग्रामर। आउटलाइंस क्वाइद, क्वाइद उर्दू, इल्म हिजा, इल्म सर्फ, इल्म नहव। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन हिस्सा ग्रामर क्वाइद। क्वाइद सही बोलने और सही लिखने के लिए हर जबान के कुछ असूल होते हैं। इन्हीं असूलों को कवायद या ग्रामर कहा जाता है। तो ये कवायद की तारीफ है। सेकंड, कवायद उर्दू। उर्दू ज़बान को सही तौर पर बोलने और लिखने के जो असूल हैं इनको कवायद उर्दू कहा जाता है। तो ये कवायद उर्दू की तारीफ है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन इल्म हिजा। इल्म हिजा ये इल्म इमला से मुतल्लिक है। इस इल्म की बदौलत हम लफ्ज़ों की पहचान करते हैं। हरूफ को आपस में जोड़कर बनाना भी सीखते हैं। ऐसे इल्म को क्या कहा जाता है? इल्म हिजा कहा जाता है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन इल्म सर्फ। सर्फ का मीन होता है खर्च करना, लेकिन उर्दू में इल्म सर्फ वो इल्म है जो हमें अल्फाज बनाने और इसमें तब्दीलियां करना सिखाए। इल्म सर्फ कहलाता है, यानी कि जो हमें अल्फाज बनाने और इसमें तब्दीलियां करना सिखाते हैं वो क्या कहलाता है? इल्म सर्फ कहलाता है। इल्मुन्नहव, इल्मुन्नहव से मुराद वो इल्म है जो हमें सही फिक्रे और जुमले बनाने का सलीका देता है। इल्मुन्नहव कहलाता है। वजह देखें, इस इल्म में मुरक्कब जुमलों और इबारतों से बहस की जाती हैं। ये इल्मुन्नहव है। तो आज हमने उर्दू ग्रामर का पहला लेक्चर मुकम्मल किया, जिसमें आपने क्वायद और क्वायद उर्दू ग्रामर के बारे में जाना। तो मेरा चैनल उर्दू ग्रामर को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी ज़ेब-ओ-निसाह मेज़बान को इजाज़त दीजिए। कल इंशाल्लाह मिलेंगे। सी यू।